हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि मोबाइल किस तरह से हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है और धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंस को ख़त्म कर रहा है, हमारे एक नंबर याद रखने की क्षमता तक कम हो चुकी है। हम सब जानते हैं, लेकिन मोबाइल यूज़ करना अब एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि अब तो सारे काम मोबाइल पर ही होते हैं। मोबाइल जैसे अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मोबाइल के 100% यूज़ में से केवल 30% ही काम की चीज़ें होती हैं, बाकी 70% केवल आपका समय बर्बाद कर रही हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका मोबाइल आपको नहीं बल्कि आप अपने मोबाइल को कंट्रोल करोगे। दोस्तों, मोबाइल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कभी कभी जब आप किसी काम के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हो तो उस काम को भूलकर आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हो, और 15 से 20 मिनट अपना टाइम वेस्ट करने के बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने अपना मोबाइल किस काम के लिए उठाया था। ये आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस हैं, जो नोटिफिकेशन सिस्टम है, जो यूज़र इंटरफेस है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस एप्लीकेशन पर बिताएं और आपको समय का पता ही ना चले। ये डिजिटल कंपनियां पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर ऑनलाइन रखने की कोशिश करती हैं, और अब तो ये सारी चीज़ें हमारी आदत बन चुकी हैं। मतलब अगर आपने अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाया है तो आप फेसबुक पर 15-20 मिनट ख़राब करके, इंस्टाग्राम पर 10-15 मिनट ख़राब करके, व्हाट्सएप पर 25-26 मैसेज का रिप्लाई देने के बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद करोगे, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आप फिर से मोबाइल उठाकर बैठ जाओगे। इस तरह जाने अनजाने में ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हमने बाहर खेलना कूदना बंद कर दिया है क्योंकि उसकी जगह ऑनलाइन गेमिंग ने ले ली है। दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, याद रखने की क्षमता कम पड़ती जा रही है, घंटों समय बर्बाद हो जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, और भी न जाने कितने नुकसान हैं। क्या तुम डिजिटल कंपनियों के हाथ की कठपुतली बनना चाहते हो? नहीं ना, तो इन बेमतलब की एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दो या फिर उनका नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। जब भी मोबाइल को किसी काम से उठाओ तो मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करने से पहले एक बार याद करो कि आपने मोबाइल किस काम के लिए उठाया था, और वो काम करने के बाद मोबाइल को वापस रख दो। हर समय मोबाइल को साथ लेकर घूमने की आदत, मोबाइल को साथ लेकर सोने की आदत बिल्कुल छोड़ दो। मोबाइल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, नॉलेज लेने के लिए करो, मोटिवेशन लेने के लिए करो। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अच्छी या बुरी नहीं होती, ये बस हमारे इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। तो आप मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका बदल दीजिए, बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अगर वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सुनिए मेरा नया शो मॉर्निंग मोटिवेशन विद मन की आवाज़, और कीजिए अपने दिन की एक ज़बरदस्त शुरुआत। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।